साकिब, इस बारे में मज़ीद तफसील आपसे जानेंगे। बहुत ज़रूरी है, कानून में जो अल्फाज इस्तेमाल हैं वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, लेकिन आज के ऑर्डर में ये वाजे हुआ है कि वो पैसे जो मुल्क से बाहर से आते हैं और वो पैसे जो पाकिस्तानी शहरी नहीं देते वो फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आते हैं। तो एक हद तक अब ये जब ऑर्डर तफसीली आएगा तो हमें पता लगेगा कि कितनी मालियत जो है वो प्रोहिबिटेड सोर्सेज की बद में आती है और वो कौन से फॉरेन एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये फॉरेन फंडिंग का एलिमेंट भी आज एस्टैब्लिश हुआ है। ये तफसील ऑर्डर में आएगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका करना भी चाहता हूँ। आपने 8 साल इस केस को बड़ा डिलिजेंटली परसू किया है। अकबर बाबर साहब का खास तौर पर उनको मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत ही फोकस्ड अंदाज से, बहुत डिग्निफाइड अंदाज से, बहुत डिसेंट अंदाज से केस को कानून के पैराए में रहते हुए चलाया है और ये कॉन्ट्रीब्यूशन वक्त बताएगा। आप देखेंगे कि इस फैसले से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में एक नई जिम्मेदारी का एहसास जन्म लेगा जिससे आप, मैं सब मुस्तफीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई जी ममनुआ का मतलब यह है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो वो एलिजिबल है, वो वैलिड है। इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई भी सियासी पार्टी में पैसा देगा, चाहे वो शख्स हो, गैर मुल्की शख्स हो, मुल्क से बाहर रहने वाली या काम करने वाली कंपनी हो, कारोबार हो, वो ममनू है, वो प्रोहिबिटेड है। सो इसका कन्वर्स में आसानी से हो जाएगी, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शिक नंबर 6 के तहत कंट्रीब्यूशन डोनेशन दे सकता है और शिक नंबर 5 के तहत पीपीओ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकता है, एसोसिएट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। आप सब एक दफा आर्टिकल 5(1) पीपीओ का पढ़ें, एक दफा आर्टिकल 6 पढ़ें, ये वाजे हो जाएगा। और इसमें जो एक, जिस तरह मैंने कहा कि जो रेफरेंस का लफ्ज तो शायद नहीं है लेकिन ऑर्डर की कॉपी फेडरल गवर्नमेंट को भी फराहम की गई है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट आता है कि इसमें फॉरेन नेशनल्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हाईलाइट की गई है। अब ये तफसीली फैसला आएगा तो आपको बता पाएंगे कि फॉरेन नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है, मतलब किस हद तक का मतलब, किस हद तक का मतलब ये है कि किस हद तक का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने किस किस चीज की तस्दीक कर ली है कि कहां किस हद तक फॉरेन नेशनल्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ, मैं सजदे बसजूद हूँ कि अल्लाह ने हमें 8 साल की जद्दोजहद तकरीबन के बाद हमें सुरखरू किया। इसके बाद मैं अपनी वालदा जो इस सफ़र में मेरे साथ थी, बीबी 2 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई, मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं का ही असर है, उनकी दुआएं हैं जो आज तक मेरे साथ हैं, हम सब के साथ हैं, जिसकी वजह से हमने एक इतना बड़ा मार्का, एक इतनी बड़ी जंग हमने जीती। तो मैं हमेशा समझता हूँ, और ये एक साफ़ी हमारे सलीम साफ़ी साहब, वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे नहीं पता कि इस केस के मेरिट्स क्या हैं, मुझे ये नहीं पता कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं और सबूत क्या हैं, मुझे इतने पता है कि इसको उसकी माँ की दुआ है। और मैं समझता हूँ कि मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी, हमने एक बहुत बड़ा एक ऐसा ये जो मुकाबला था, ये मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, हक का बातिल के साथ, इसमें हम सुरखरू हुए हैं। और मैं अल्लाह के सामने शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारी कौम को सुरखरू किया, क्योंकि इस केस में मेरा कोई जाती मफाद नहीं था, इस केस में मेरा कोई अपना कोई जाती किसी किस्म का कोई मफाद नहीं था, ये कौमी मफाद था कि पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत थी कि सियासी जमातें और सियासी जमातों की जो लीडरशिप है वो कानून के नीचे आए। तो इस लिहाज से आज शुक्र करने का दिन है और मैं अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करूंगा। और साथ ही साथ मैं शुक्र अदा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अगर आपको याद हो, मैं हमेशा कहता था कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानी इदारों से इंसाफ लेकर दिखाऊंगा, पाकिस्तानी इदारों ने, हमने इन्हीं पे भरोसा करना है, हमने इनको मजबूत करना है। हमारे इम्तिहान हुए 8 साल में, बहुत सारे इम्तिहान थे,
लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्जाम की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे पीटीआई ने वो खुफिया रखे। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े पैमाने पर गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की कि हर साल जो पार्टी का चेयरमैन जो सर्टिफिकेट जमा कराता है, साल 2008-09 का सर्टिफिकेट झूठा था। साल 9-10 का सर्टिफिकेट जो जमा कराया पीटीआई ने वो झूठा था। साल 10-11 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो झूठा था। साल 11-12 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो झूठा था। साल 12-13 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो भी झूठा था। और ये तमाम सर्टिफिकेट पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, ये उनके दस्तखतों से हुआ है। अब मैं आगे आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आज इस बात की मजीद तस्दीक मिल गई कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियाँ देता था, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक करता था, जो पर्सनल अटैक्स पे आ गया था उस मुनसिफ की, जिस मुनसिफ को इमरान खान ने खुद नामजद किया, मैं समझता हूँ कि ये फैशिज्म है। इस फैशिज्म को जड़ से उखाड़ना है। आज का फैसला इस फैशिज्म को रोकने के लिए, उसको बंद बांधने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ये एक बहुत तारीखी फैसला है, जिससे ये फैशिज्म जो है इसके सामने बंद बांधा गया है कि आप जो मर्जी धमकी दे दें, आप जो मर्जी फैशिस्ट हरबे इस्तेमाल करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, आइनी इदारों की तस्दीक करें, आइनी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करें, उसके बावजूद आइनी इदारे मुतज़लज़ल नहीं होंगे। वो हक और सबूत की बुनियाद पर फैसला देंगे। आज का ये फैसला इस बात की तस्दीक है, जैसा कि मैंने कहा। मुझे जरा मुकम्मल करने दें। अहम खबर दे रहे हैं आपको। पीटीआई के खिलाफ फैसले की कॉपी विफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला किया गया है। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बड़ा फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। आपको अपडेट करते चलें कि पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। पीटीआई ने 16 बैंक अकाउंट छुपाए। 3 रुकनी बेंच का ये मुत्तफिका फैसला है। पीटीआई को राज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनी से फंड्स मौसूल हुए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत बयान हल्फी जमा कराया। पीटीआई को ममनुआ जराए से फंडिंग मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई ने अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। पीटीआई ने अमरीका से LLC से फंडिंग ली। पीटीआई ने शुरू में 8 अकाउंट्स की तस्दीक की। पीटीआई के खिलाफ फैसले की कॉपी विफाकी हुकूमत को भिजवा का फैसला। हमारे नुमाइंदे साकिब विर्क इस वक्त हमारे साथ हैं, इस फैसले पर मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। साकिब, तफसीलन बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आज एक बड़े केस का बड़ा फैसला सुनाया है। 8 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चलता रहा और